आपने स्टेज पे तो देखा ही कि कैसे गुरु नानक देव जी की लाइफ को पोर्ट्रे किया गया है, मतलब उदासियाँ, जिन्हें मतलब नहीं पता, पंजाबी में उदासी बोलते हैं बट हिंदी में उसे यात्रा बोलते हैं, मतलब कि गुरु नानक देव जी कहाँ कहाँ गए, तो उसे पोर्ट्रे किया गया मेन स्टेज पे। पर आपने कभी सोचा कि बैक स्टेज लाइक मतलब वो कैसे प्रिपरेशंस करते हैं, कैसे आगे सारी चीज़ें वो इतने अच्छे से प्रिपेयर करके हमें दिखाते हैं कि हम खुश हो जाते हैं कि हमें पूरा अच्छे से पता चलता है कि क्या चल रहा है और कितना अच्छे से बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड होता है। बट कभी सोचा कि पीछे कैसी तैयारियाँ चलती है? आपने कभी, ऑब्वियसली बात है, आया होगा दिमाग में कैसे किया उन्होंने कि वो जब स्टेज से ऊपर आते हैं पीछे कैसी तैयारियाँ करते हैं, उनका मेकअप और बाकी सब सारी चीज़ें, क्या चलता है बैक स्टेज एक्चुअली में। अभी इस टाइम एक कैरेक्टर के साथ खड़े हैं हम, जो आप स्टेज पे देखते हैं, जिन्होंने एक रोल प्ले किया है। सो हेलो, आपका नेम? माय नेम इज लोपेज सिंह। ओके, तो आपने जो भी ये ड्रेस पहनी हुई है, आप बेसिकली क्या रोल प्ले कर रहे हो? मैं सज्जन ठक्का रोल प्ले कर रहा हूँ और मेरा रोल है कि जिसमें मैं लोगों को लूटता हूँ। हाँ? और उनको लूटने के बाद मैं उनकी हत्या कर देता हूँ। अच्छा। गुरु नानक देव जी मेरे पास आते हैं और मैं उनको भी ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं उनसे ज्ञान ले लेता हूँ और मैं मतलब वो उनका भक्त बन जाता हूँ। okay. और ऐसा काम करना छोड़ देता हूँ। ओके, और आप मतलब इस फील्ड में कितने टाइम से हो? मैं इस फील्ड में 3 साल से हूँ। 3 साल से? yes. और मैं पहले यूथ फेस्टिवल करता था और धीरे धीरे मैंने फिर सर से आया, दस्तक टीम में हमारी सर की रजिंदर सर हमारे टीचर हैं, मैं उनसे सीखता था और धीरे धीरे सीखता मतलब आप स्टार्टिंग से राजेंद्र सर से सीख रहे हैं? yes. जो मतलब यहाँ डायरेक्टर हैं। ओके, yes, yes, yes. okay. और मतलब आपको कैसे लगा कि मुझे एक्टिंग में जाना है? मतलब बेसिकली आप इसी फील्ड से हो, एक्टिंग से? यस मैम, मैं एक्टिंग से हूँ। मैं पहले मैं पढ़ता था, अभी यूथ फेस्टिवल करने के बाद मुझे लगा कि मैं यही कर सकता हूँ और ये मैं बेटर कर सकता हूँ। और से एक वो चीज़ होती है ना कि फर्स्ट टाइम आपने कहीं पे एक्ट किया हो, एक पता लगता है कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। हाँ। वो कब हुआ? वो 2016 में हुआ था जब मैंने फर्स्ट स्किट की थी। हाँ। उसमें मैंने कैरेक्टर किया था, वो बूढ़ा था, तो वो बूढ़ा था तो वो मैंने इतना बढ़िया किया था कि वो मेरे को लोग बूढ़े से नाम से जानने लगे। वो आप फेमस हो गए थे उस नाम से? कॉलेज में पूरा फेमस हो गया। और इसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं ये बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, दूसरों से मैं बढ़िया कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये फील्ड में। ओके, और आप बेसिकली कहाँ से हो? अभी मैं अमृतसर से हूँ। हाँ? पंजाब अमृतसर और जितने में रहता हूँ। और आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो इतने, मतलब ये 1 घंटे का प्ले है कम से कम, तो कितने टाइम से प्रैक्टिस हो रही है? 1 महीने से प्रैक्टिस हो रही है हमारी, कि पहले हमारे रन प्रैक्टिस होती है, ब्लॉकिंग वगैरह हुई थी, डायलॉग्स की स्क्रिप्ट मिली थी हमको, पहले धीरे धीरे हमने डायलॉग्स याद किए, फिर ब्लॉकिंग हुई, अभी स्टेज पे हमारी ब्लॉकिंग बाद में हुई, अभी हमारा फाइनल अभी हो रहा है जो गुरुपुरब में हमारा परफॉर्म कर रहे हैं।
और मतलब इसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, मतलब बेसिकली मतलब एक घंटे का, मतलब आपने अभी तक कितने ऐसे स्किट किए, मतलब जो इतने टाइम के, इतने ड्यूरेशन के हैं? मैम मैंने स्किट 30 मिनट्स की किए हैं, 1 आवर के किए हैं, पर ये जो स्टेज था, प्लेटफॉर्म था, इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम किया था। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि ये मैं आज फर्स्ट टाइम किया, और वो भी गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े पे किया। नर्वस थे जब स्टेज पे गए फर्स्ट टाइम? यस मैम। नर्वस थे आप? नर्वस तो होता है क्योंकि 10,000 की पीपल ऑडियंस सामने होगी, तो सारे लोग मेरी 10,000 मतलब 20,000 आईज मेरे को देखेंगी, तो मैं ऑब्वियस ही बात है कि नर्वस तो थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम नर्वस हुआ था, सेकंड टाइम थोड़ा सा कम हुआ था, अभी मैं अब तो यूज्ड टू हो गए। यस मैम, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप 4th of November से कर रहे हो, और मतलब कि थकना वगैरह कुछ बाकी चीजें? एक्टर के लिए थकना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर मैं थक ही गया तो फिर मेरा परफॉर्म कौन करेगा। अच्छा थॉट है काफी। और डिफिकल्टीज क्या आई इस रोल को प्ले करने में, और बाकी सारी प्रैक्टिस जो इतने टाइम से हो रही है, डायलॉग्स लर्न करने में कुछ? नो मैम, डायलॉग्स लर्न करने की मतलब इतनी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है कि डायलॉग्स लर्न करने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं हमको। और मैंने आपका ना प्ले देखा था, और जब मैंने पूरा प्ले देखा, मुझे आप एक वो रोल होता है ना जो इतना आपको नजर में एक अच्छा सा लगता है, वो जो आपकी हंसी थी, एक बार प्लीज वो करके दिखा दो सबके लिए। मेरा नाम है सज्जन। हाँ तो सीट ठीक समझे हो, सज्जन थक। थैंक यू, मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरे प्ले में। थैंक यू सो मच। आपको जाना होगा, अब इनको लेट हो रही है, अभी इन्हें परफॉर्म करना है, और इनको ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।